Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for 9th class. Today we will start chapter number 5, that is physical states of matter. So we are going to discuss the introduction of chapter number 5. So students, chapter number 5 में हम physical states of matter के बारे में discuss करेंगे. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या है. ठीक है, मैटर क्या है. हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, एनी थिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड एज मैटर. हमने ये कहा था कि हर वो चीज़ जिसका मैस है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मैटर का नाम देते हैं. और मैटर जो है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है. मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैसियस स्टेट है. सबसे पहले हमारे पास मैटर की कौन सी स्टेट है स्टूडेंट, सॉलिड है. ठीक है, ये हमारे पास सेकंड जो स्टेट है वो लिक्विड है और थर्ड जो है वो हमारे पास गैसियस स्टेट है. सो दीज आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. इसमें अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास सॉलिड स्टेट है और सॉलिड स्टेट में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड्स के वो क्लोजली पैक्ड हैं और उनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं. अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस एग्जिस्ट करती हैं. और अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें तो गैसियस स्टेट में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में लार्ज एम्प्टी स्पेसेस यानी बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं. तो सॉलिड में जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं और अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में कंपैरेटिवली जो है वो आपके पास वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं. और जो गैसियस, अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें तो गैसियस स्टेट में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक वीडियो क्लिप के थ्रू स्टेट्स ऑफ मैटर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो आप ये वीडियो क्लिप देखें. Our topic for today is states of matter. Matter is made of particles. It exists in 3 states, namely solid, liquid, and gas. The different states of matter are due to the different arrangement of particles of matter. In solid state, the particles of matter are very close to each other. So, the particles hold each other very tightly. That is, there is a strong force of attraction between them. As a result, solids have a definite shape and volume. In liquid state, the particles are packed closely together, but they are much farther apart than the particles in solids. And so, the force of attraction is weaker than it is in solids. Therefore, liquids have a definite volume, but they do not have a definite shape. They take up the shape of the container in which they are kept. Matter are very far away from each other, and so the force of attraction between them is very weak. Thus, gases have neither a definite shape nor volume. They can fill the entire space or volume of a container, irrespective of the container size. ओके स्टूडेंट्स, हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं और मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है. ठीक है,
सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और साथ ही साथ गैसियस स्टेट में भी मैटर एग्जिस्ट करता है। और ये जो शेप्स होती हैं ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और सबसे पहले हम सॉलिड को डिस्कस करते हैं। तो सॉलिड स्टेट में मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड। सो सॉलिड्स जो होते हैं बच्चे, उनकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लाइक आप ये स्टोन देख रहे हैं। नेक्स्ट हम लिक्विड की बात करेंगे। लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर, क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके दरमियान में भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी के सॉलिड में स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं लेकिन सॉलिड्स की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसलिए जो लिक्विड्स होते हैं स्टूडेंट्स उनका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। उन्हें जिस कंटेनर में डाला जाता है वो उसी कंटेनर की शेप जो है उसको अटेन कर लेती है। नेक्स्ट हमारे पास गैसियस स्टेट है और गैसियस स्टेट की अगर हम बात करें तो गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान में लार्ज एम्प्टी स्पेसेस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। ये आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और इनके दरमियान में लार्ज एम्प्टी स्पेसेस हैं और इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आलमोस्ट नेग्लिजिबल होती हैं, जिसकी वजह से जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लाइक अगर इन्हें इस कंटेनर में डाला है तो उसकी शेप अटेन कर लिया, अगर इस कंटेनर में डाल दिया जिसका स्मॉल साइज है तो उसकी शेप अटेन कर लिया। Students, mark the questions related to the introduction of matter. So the first question will be, what are the characteristics of gaseous state? So students, इसका answer यहाँ से start होगा, matter in gaseous state, और यहाँ तक है, ठीक है। ये जो sky color से mark किया हुआ है ये आपके पास gaseous state की characteristics हैं। The second question will be, what are the characteristics of the liquid state? So students, इसका answer आपके पास यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। Pink color से जो mark किया हुआ है ये आपके पास characteristics हैं liquid state की। Third question is given as, what are the characteristics of the solid state? So students, इसका answer आपके पास यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। द सॉलिड स्टेट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, दे आर रिजिड एंड डेंसर देन लिक्विड एंड गैसेस, दे एग्जिस्ट इन एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा वो ये है कि गैसी हालत की खसूसियात लिखें, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। जो स्काई कलर से मार्क किया हुआ है ये आपके पास गैसी हालत की खसूसियात हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो आपको यहाँ से आएगा वो ये है कि माया हालत की खसूसियात लिखें, तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे। ये जो पिंक कलर से मार्क किया हुआ है ये आपके पास माया हालत की खसूसियात हैं। और थर्ड क्वेश्चन जो आपको यहाँ से आएगा वो ये है कि ठोस हालत की खसूसियात लिखें, तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। जो पैरेट कलर से मार्क किया हुआ है ये आपके पास ठोस हालत की खसूसियात हैं। दिस इज़ एंड ऑफ योर लेक्चर।